वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि डोजिंग यूनिट का जो गोल कपलर होता है, डोजिंग यूनिट में जो मेन कपलर लगता है गोल, उसमें कितना पिन होता है, कौन वायर कौन सेंसर का होता है, उसका वायरिंग कलर कोड क्या है, और कौन पिन में कितना करंट जाता है, और कौन सिग्नल है, और सिग्नल में भी कौन इनपुट सिग्नल है, कौन आउटपुट सिग्नल है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, उसका मैं यहाँ पे एक बना दे रहा हूँ। जैसे ये उसका पिन है, ठीक है। अभी मैं पिन नंबर भी लिख दूंगा और उसका वायरिंग कलर कोड जो होता है, कौन पिन में कौन कलर का वायर लगा हुआ है, वो सारा चीज़ लिख दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा उसका गोल कपलर। ये जो है ये गोल रहता है, ठीक है, और उसमें 20 पिन का जगह दिया हुआ है, लेकिन वो सारा पिन में वायर नहीं लगता है, ठीक है। उसमें कुछ ही पिन है जिसमें वायर लगता है, सब में वायर नहीं है। जैसे कि मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें वायर लगा हुआ है, इसमें भी वायर लगा हुआ है, इसमें भी वायर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें खाली है पिन। और यहाँ पे देखिए, इसमें वायर लगा हुआ मिलेगा आपको, और इसमें भी वो बीच वाला खाली है, और ये सब में वायर लगा हुआ है, इसमें एक ही खाली है, और ये जो लाइन है इसमें सिर्फ इसी में एक वायर लगा हुआ है, बाकी सब खाली है, ठीक है। और नीचे में आइए तो यहाँ वायर है और एक यहाँ वायर लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें रह गया कितना खाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक यहाँ है, 9 पिन खाली है, ठीक है। 20 पिन में 11 पिन में वायर है, 9 पिन खाली है। और इसका पिन नंबर यहाँ पे देखिए, ये जो है ये है पिन नंबर टी, ये हो गया पिन नंबर टी, ये हो गया यू, ये यू हो गया, और ये हो गया भी, टी यू भी, ओके। और नीचे में देखिए यहाँ पे ये है एल, ये है एम, और ये है एन, एल एम एन एन, सॉरी यहाँ पे इस पे एन ही होगा, ठीक है, लेकिन इसमें वायर नहीं है, चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, एल एम। और यहाँ पे देखिएगा तो पी, ये है पिन नंबर पी, और ये है पिन नंबर आर, और ये है एस, पी आर एस, ठीक है, ये पी, ये आर, और वो एस, ठीक है, एल एल एम पी आर एस। और नीचे में ई है, यहाँ पे ई है पिन नंबर ई, और यहाँ पे दो पिन है, जो एक बी है, ये हो गया बी, और ये हो गया डी, ओके। ये सब हो गया इसका पिन नंबर। और कौन, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि कौन पिन में कितना करंट आता है, और वो पिन का जो वायरिंग कलर कोड है वो क्या है। तो यहाँ से देखिए, मैं यहाँ पे टी से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया पिन नंबर टी, हो गया, यहाँ से ये पिन नंबर टी ये हो गया। अब ये क्या है, इसमें वायरिंग कलर कोड, ये सारा चीज़ मैं लिखूँगा। तो यहाँ पे जो टी पिन में जो वायर लगता है वो पिंक पे येलो कलर का वायर है, देखिए ये पिंक पे येलो कलर का वायर, ओके। और ये है रिटर्न वायर, मतलब ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिटर्न, ये हो गया रिटर्न, ठीक है, पिंक पे येलो कलर का वायर है, और ये रिटर्न वायर है। और ये किस कनेक्ट, मतलब जो कनेक्ट, ईसीएम में दो कनेक्टर होता है, एक J1 और एक J2, और किस कनेक्टर से आ रहा है, कौन सा पिन नंबर से आ रहा है, तो ये सारा जितना भी इसमें पिन है और जितना भी वायर है वो सब आया है J2 कनेक्टर से। और पिन नंबर 57 देखिए, ये है, ये जो है ये पिन नंबर 57 से आया है, ओके। और ये ग्राउंड है, मतलब ये अर्थ का वायर है, पिन नंबर 57 से आया है। और जो यू है, पिन नंबर यू जो पिन नंबर है वो है ब्राउन कलर का वायर, ब्राउन, तो ऐसे ही ग्राउंड कलर का ग्राउंड वायर होता है, ठीक है, ये हो गया ब्राउन, और ये भी है रिटर्न, ओके। और ये है पिन नंबर टू, ठीक है, आप J2 कनेक्टर खोलिएगा तो देखिएगा कि पिन नंबर 246 एक ही वायर से, जैसे ये ग्राउंड का वायर है और इसी में से तीन भाग हुआ है, ठीक है, ये तीन भाग हुआ है, तो एक है पिन नंबर दो,
एक है पिन नंबर 4 और एक है पिन नंबर 6। तो ये तीनों तो एक ही वायर से आया है, लेकिन ये जो है ये पिन नंबर 2 से आया है। मतलब ये तीनों एक ही है, ये पिन नंबर 2 से लिया गया है ये ग्राउंड का वायर को, ठीक है। और रह गया ये भी, ठीक है, पिन नंबर भी, और ये भी ग्राउंड का ही वायर है, ठीक है। तीनों ऊपर में जो वायर है वो तीनों ग्राउंड का ही है, रिटर्न वायर है। और इसका कलर होगा भी, जो पिन है इसका कलर है रेड पे येलो कलर का वायर है, रेड पे येलो कलर का वायर है। और ये भी है रिटर्न, ओके, ये रिटर्न वायर है। और ये आ रहा है पिन नंबर 66, J2 कनेक्टर के पिन नंबर 66 से आ रहा है। और उसके बाद से हम अब ये लाइन को पकड़ेंगे पिन नंबर L, जो पिन नंबर L है वो है ब्लैक पे GR, मतलब ग्रीन, ब्लैक पे ग्रीन कलर का पट्टी होगा। और ये इनपुट है, जो डोजिंग यूनिट में जो जा रहा है वो इनपुट वायर है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इनपुट, इनपुट पिन है। और इस ये जो है इसमें 5 वोल्ट जाता है, ठीक है, ये 5 वोल्ट का वायर है। मतलब पिन नंबर L में 5 वोल्ट आता है और वो सिग्नल वायर है एक इनपुट, ठीक है। और अब आते हैं, और इसका जो कहाँ से आता है, कितना पिन नंबर से है, तो L जो पिन है वो आता है 48, ओके, पिन नंबर 48। ये ऐसे कर रहा हूँ ताकि समझ में आ गया कि ये सब कनेक्टर से आ रहा है, ठीक है। ये आ गया पिन नंबर 48 से, अब आ गया M, पिन नंबर M। ये M जो है वो है ग्रीन पे ब्लैक कलर का वायर, ग्रीन पे ब्लैक कलर का वायर है। और ये है आउटपुट सिग्नल, ठीक है, आउटपुट सिग्नल, ठीक है, ये इनपुट सिग्नल है, ओके, सिग्नल, ओके, ये इनपुट सिग्नल है और नीचे में आउटपुट सिग्नल हो गया। और इसमें आता है 3 वोल्ट, और ये आता है पिन नंबर 74, ठीक है, ये आता है J2 कनेक्टर से पिन नंबर 74 से आता है, ठीक है, ये 3 वोल्ट का वायर है। अब हम जानेंगे कि पिन नंबर P में, ठीक है, यहाँ हो गया पिन नंबर P, और ये है ऑरेंज पे रेड कलर का वायर। तो ये O R से हो गया ऑरेंज, R से हो गया रेड, ठीक है, ऑरेंज पे रेड कलर का वायर है। और ये है 5 वोल्ट, ठीक है, इसमें 5 वोल्ट आता है DC, 5 वोल्ट, ओके। और ये आता है J2 कनेक्टर के पिन नंबर 22 से, ओके, ये हो गया पिन नंबर 22। अब हम जानेंगे ये जो R है उसको, तो यहाँ पे देखिए ये पिन नंबर R, ओके, पिन नंबर R, R जो है वो है ग्रीन पे ब्लू कलर का वायर, ठीक है, ये है GR, ग्रीन पे L मतलब होता है ब्लू, ठीक है, L मतलब ब्लू, ग्रीन पे ब्लू कलर का वायर है। और ये है इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल, ओके, और ये आता है पिन नंबर 72 से, 72। ये देखिए ये और ये चाबी ऑन करके अगर आप चेक कीजिएगा तो इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ना मेन आएगा ना ग्राउंड आएगा। तो इसीलिए ये सिग्नल वायर है, हालांकि सिग्नल तो ये भी है, लेकिन ये दोनों दूसरा टाइप का है, ये दोनों में कुछ नहीं आएगा। तो R हो गया। अब हम जानेंगे S, इसका जो वायरिंग कलर कोड है ये है वाइट पे ब्लू, ठीक है, वाइट पे ब्लू कलर का वायर है। और ये भी इनपुट सिग्नल है, ठीक है, इनपुट सिग्नल है। और ये आता है पिन नंबर 47 से, ठीक है, ये है 47, ओके, 47 हो गया। अब रह गया पिन नंबर ये E। फ्रेंड्स, पिन नंबर जो E है वो डायरेक्ट मेन आता है 24 वोल्ट, ओके। तो मैं यहाँ पे इसका पहले वायरिंग कलर कोड लिख दे रहा हूँ, ये है ऑरेंज कलर का वायर, ठीक है, ऑरेंज कलर का वायर होगा। और इसमें आता है 24 वोल्ट डायरेक्ट मेन, ये 24 वोल्ट आता है, ठीक है। और नीचे में 2 वायर है B और D, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया पिन नंबर B, और ये है येलो पर ऑरेंज,
ठीक है, येलो पे ऑरेंज, बी जो पिन है वो येलो पे ऑरेंज कलर का है, और ये है आउटपुट सिग्नल, ठीक है, आउटपुट सिग्नल, और इसमें आता है 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, ठीक है, इसमें 3 वोल्ट आता है, और ये आया है पिन नंबर 79 से, 79, ओके। अब ये लास्ट पिन डी रह गया, ये देखिए यहाँ पे पिन नंबर डी, ओके, ये आता, ये देखिए, ये जो है पिन नंबर डी, ये भी आउटपुट सिग्नल है, और इसमें भी 3 ही वोल्ट आता है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसका वायरिंग कलर कोड, ये ग्रीन पर रेड कलर का वायर होता है, और आउटपुट सिग्नल, पुट सिग्नल, सिग्नल, ओके, और इसमें भी 3 वोल्ट, और ये आता है पिन नंबर 76 से, ओके। तो ये हो गया इस कपलर में जो वायर लगता है वो। अब देखिए, अब वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, अगर आप बीच में से छोड़ के चल जाइएगा तो सिर्फ यही जानिएगा, अब ये जो एक एक वायर जो अंदर गया है डोजिंग यूनिट के अंदर, ये एक वायर में से दो दो तीन तीन वो वायर निकला है, ठीक है, एक वायर में से, जैसे ये वायर गया इसमें से 2 वायर निकला, ये गया इसमें से 2-3 वायर निकला, तो वो सारा चीज नहीं जान सकेगा, अगर नहीं जान सकिएगा अगर आप वीडियो को छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी तो कितना लोग जाना कि ये सब हो गया बस यही सब रहे, लेकिन नहीं, डोजिंग यूनिट के अंदर जा करके ये एक एक वायर दो दो तीन तीन भाग हो गया है, और उसमें से कैसे आप जानिएगा कि ये पिंक पे येलो है, रिटर्न है, तो ये कहाँ गया है, ये किस चीज़ का है, क्योंकि डोजिंग यूनिट के अंदर ही भी बहुत सारा सेंसर है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था डोजिंग यूनिट के बारे में, उसको खोल करके उसका सारा सेंसर दिखाया है कि ये मिक्सर सेंसर है, ये प्रेशर सेंसर है, ये टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, तो ये एक एक वायर उस सेंसर के पास गया है, तो ये हम किसी और वीडियो में जानेंगे कि कौन वायर किस सेंसर का है, वो अगर कट जाए तो क्या फॉल्ट कोड आएगा, उसको कैसे ठीक करना है, ठीक है, ये सारा चीज़ एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें एक एक सेंसर के ऊपर फुल डिटेल्स में होगा इसके बारे में। जैसे हो गया कि जो मिक्सर चेंबर है, चाहे छोड़िए मिक्सर चेंबर, उसमें एक इंजेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, जो यूरिया को इंजेक्ट करता है मिक्सर के अंदर, तो वो इंजेक्टर में कितना करंट आता है, वो कैसे काम करता है, अगर उसका तार कट गया तो क्या डोजिंग होगा या नहीं होगा, क्या क्या प्रॉब्लम आएगा गाड़ी में, वो सारा चीज़ हम जब उसके ऊपर जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये सारा चीज़ हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यही है आज का हमारा वीडियो।